भीलवाड़ा के आसंद मालासेरी डोंगरी पर भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 28 जनवरी को मालासेरी डोंगरी पर पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली विशाल जनसभा को लेकर मालासेरी डोंगरी की चर्चाएं अब पूरे देश में हो रही हैं। मालासेरी डोंगरी पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होने के बाद पूरे क्षेत्र में सियासी और धार्मिक हलचल का माहौल है। डोंगरी के आसपास के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर सफाई कार्य जारी है, तो वहीं भाजपा के विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री तैयारियों की पूरी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की उच्च स्तरीय कोर कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। पीएम की सभा के साथ भाजपा इस साल होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक बड़े वोट बैंक को जनसभा के माध्यम से साध सकती है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भीलवाड़ा के आसीन मालासेरी डोंगरी पर भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूजा अर्चना के बाद विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मालासेरी डोंगरी का इतिहास। भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र की मालासेरी डोंगरी पर भगवान श्री देवनारायण कमल के पुष्प पर अवतरित हुए। इसी डोंगरी पर माता साडू ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इतिहास के मुताबिक या विष्णु के अवतार थे। उन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि भगवान श्री देवनारायण ने अपना सारा जीवन लोक कल्याण में बिता दिया। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदल देव था। देवनारायण का बगड़ावत नागवंशी गुर्जर परिवार में जन्म हुआ। दादा का नाम बाघ सिंह, पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम साडू था। देवनारायण एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिसकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1993 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रतीक भगवान श्री देवनारायण सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। आज भी पूरे प्रदेश के गांव में देवनारायण के मंदिर बने हुए हैं जिनको देवरा कहा जाता है। देव जी के पुजारी गुर्जर समाज के अलावा मेघवंशी, गाडरी, भील समाज के लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पहाड़ी पर बना विशाल मंदिर। मालासेरी डोंगरी एक ऊंची पहाड़ी पर भगवान श्री देवनारायण का विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर नाग देवता एवं घोड़े की विशाल सुरंग बनी हुई है। यहाँ पर देवनारायण की प्रतिमा बाल स्वरूप में स्थापित है। मंदिर पर चढ़ने के लिए 125 सीढ़ियां बनाई गई है। मंदिर परिसर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में 4 करोड़ की लागत से पैनोरमा का निर्माण करवाया गया है। इस पैनोरमा में भगवान श्री देवनारायण एवं बड़गावत वंश की गाथा से जुड़े इतिहास को मूर्तियों के रूप में अंकित किया गया है। पूरे साल भर चलता है भंडारा। मालासेरी डोंगरी मंदिर समिति की ओर से पूरे साल निःशुल्क भंडारा चलाया जाता है। यहाँ आने वाले हर लोगों के लिए समिति वाले भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। पीएम की जनसभा के लिए पीले चावल बांट कर निमंत्रण। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक शुभ कार्य में पौराणिक काल में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पीले चावल बांटे जाते थे। वहीं मंदिर समिति एवं जनप्रतिनिधियों ने, देव भक्तों ने मिलकर पूरे प्रदेश भर में 1111 किलो पीले चावल, नीम की पत्ती एवं मालासेरी डोंगरी की मिट्टी बांटकर लोगों को पीएम की सभा में आने का न्योता दिया है। पीएम का कार्यक्रम मालासेरी डोंगरी पर पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हेलीपैड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। मालासेरी में पीएम के आगमन को देखते हुए 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। धार्मिक उत्सव के रूप में पीएम का कार्यक्रम। 28 जनवरी को पीएम की होने वाली विशाल जनसभा को लेकर मालासेरी डोंगरी के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल एवं समिति के अध्यक्ष जयदेव चार ने बताया, पीएम का कार्यक्रम एक धार्मिक कार्यक्रम है, इसे राजनीति से जोड़ना गलत है। इस धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का झंडा और बैनर दिखाई नहीं देगा और पीएम के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुर्जर समाज ही नहीं सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। देवनारायण का 1111 कमल पुष्प से होगी सजावट। भगवान श्री देवनारायण संवत 968 माघ सप्तमी को कमल के पुष्प पर अवतरित होने के कारण शनिवार को भगवान श्री देवनारायण के मंदिर एवं प्रतिमा को 1111 कमल के पुष्प से सजाया जाएगा। पीएम को देवनारायण फल की भेंट करेंगे। मंदिर समिति एवं देव भक्तों द्वारा पीएम को भगवान श्री देवनारायण की फल को भेंट करेंगे। देव भक्त एवं लोक कलाकार देवनारायण के फल का वाचन करते हैं। देवनारायण का फल सूती कपड़े से बनी हुई कलाकृति होती है। क्यों खास है पीएम का दौरा? मालासेरी डोंगरी पर भगवान श्री देवनारायण पत्थर चीर कर कमल के पुष्प पर अवतरित हुए और बीजेपी का भी चुनाव चिन्ह
भी कमल का पुष्प है। इसी डूंगरी पर माता साढ़ू ने कई सालों तक कठोर तपस्या की। इतिहास के मुताबिक भगवान देव नारायण विष्णु के अवतार हैं और एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने सारा जीवन लोक कल्याण में बिता दिया। गुर्जर समाज सहित सर्व समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण को मानने वाले राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश भर में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के बड़े वोट बैंक को साधने के प्रयासों में से एक प्रयास ये भी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और गुर्जर समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ गया, इसलिए इस बार अन्य प्रदेशों सहित राजस्थान के गुर्जर समाज को साधने का प्रयास बीजेपी करेगी। भाजपा से एकमात्र सांसद गुर्जर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं। मालासेरी डोंगरी पर बनेगा कॉरिडोर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मालासेरी डोंगरी के दौरे पर आए तब देव नारायण सर्किट एवं कॉरिडोर बनवाने का संकेत दिया था। मेघवाल ने कहा कि भगवान श्री देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव के अवसर पर पीएम के आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने एवं मालासेरी को काशी विश्वनाथ एवं महाकाल की तर्ज पर पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध करने के लिए पीएम मोदी मालासेरी में कॉरिडोर बनवाने की घोषणा कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का भीलवाड़ा जिले का यह पहला धार्मिक दौरा है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं भव्य एवं दिव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मंदिर समिति, देव सेना, पथिक सेना सहित सर्व समाज जनप्रतिनिधि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। दिलसाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।